भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं। उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ उसकी हत्या कर दी गई। एक हफ्ता पहले पुनः सवाल उठाया 19 लाख रोजगार पे, तो अब ध्यान कैसे भड़काया जाए? तो भगवान राम के अस्तित्व पे आप सवाल उठा दें। आप बात कीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार आप बिहार में कब देंगे। भगवान राम की चिंता मत कीजिए, वो स्वयं भगवान है, अपनी चिंता कर ले। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। ईश्वर को किसने देखा है? राम, कृष्ण, अल्लाह, पैगंबर, ईसा मसीह, बुद्ध या महावीर? किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन ये आस्था है। और आस्था का जब सवाल उठता है तो हमारा जो संविधान है वो इसकी इजाजत देता है कि इस देश में जितने लोग रह रहे हैं वो किसी भी आस्था को माने, किसी भी देवता की वो पूजा कर सकते हैं और इस पर सवाल कोई नहीं उठा सकता है। लेकिन हमारे नेता इससे बाज नहीं आते हैं। अभी ताजा बयान आपने देखा जीतन राम मांझी का, कल एक निजी न्यूज चैनल से बात करते समय उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया, जिसके बाद ये विवाद जो है वो फिर से खड़ा हो गया। इसके पहले भी कई नेता रहे हैं जो लगातार राम को, राम कथाओं को, रामायण को एक कपोल कल्पित कहानी बताते रहे हैं। लेकिन जो ताजा मामला है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ा है। इस पर उन्होंने आज जब हमारे रिपोर्टर्स और तमाम मीडिया हाउसेस ने सवाल किया कि आपने राम को काल्पनिक बताया, तो वो कहते हैं कि वो अपने बयान पर स्टैंड लेते हैं, वो अपने बयान पर कायम रहते हैं। अब इस पर कोई भी जो नेता है सत्ता पक्ष के वो इस पर बोलने से बच रहे हैं। लगातार हम ये प्रयास में हैं कि किसी नेता से इस पर हम बात कर सके, लेकिन सभी कतरा रहे हैं। लेकिन बिहार में एक युवा नेता है, चिराग पासवान नाम है उनका, उनका इस पर अब रिएक्शन आया है और उन्होंने बड़े साफ तरीके से समझाया है कि आखिरकार क्यों बिहार के और देश के नेताओं को हर जगह महाभारत से लेकर कुरान तक का सहारा लेना पड़ता है। देखिए क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का। बहुत समस्याएं हैं और सत्ताधारी जितने नेता हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना। हमारी आस्था जिसमें है हम उसमें आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बंद कमरे में नमन करेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, जिसकी जो आस्था है। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं थे। जिसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है वो अपनी आस्था रखेगा, ना आपके कहने से वो नास्तिक बनेगा ना आपके कहने से वो आस्तिक बनेगा। पर हमारी समस्याएं अलग है। हमको जवाब दीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, रामायण महाभारत में मत उलझाइए, हमको बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई एक गांव बिहार का बता दीजिए जहां पे बिना घूस लिए हुए कोई काम हो रहा हो, उस भ्रष्टाचार को आप समाप्त कब करेंगे। आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही है, अभी वैशाली में उस दिन महनार में जिस तरीके से एक मासूम लड़की की 13-14 साल की युवती की हत्या कर दी गई, उसके पिता शिक्षक थे, पिता को हम लोगों ने, उसके शिक्षक को हम लोगों ने गुरु का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान राम की बात करते हैं, भैया मैं उनको भी भगवान मानता हूँ जो शिक्षक है, उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसकी आपने जांच करवाई? क्या दोषियों को सजा मिल रही है? आप बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाकी राम रामायण तमाम लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिसको अपनी आस्था रखनी होगी वो रख ले। तो राम के कैरेक्टर पर जो सवाल उठा रहे हैं, इसको किस नजरिए से आप देखेंगे? ध्यान भटकाने का काम है ये, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का काम है। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने अभी दस दिन पहले एक हफ्ता पहले पुनः सवाल उठाया 19 लाख रोजगार पे, तो अब ध्यान कैसे भड़काया जाए? तो भगवान राम के अस्तित्व पे आप सवाल उठा दें। भाई ताज्जुब होता है मुझे कि भारत के नेता ये सिर्फ राम भगवान सिर्फ यही करते रहते हैं, रामायण महाभारत करते रहते हैं। आप वास्तविक समस्याओं का जिक्र आप कब करेंगे? जैसा मैंने कहा, बिहारी इतने जानकार हैं कि जिसको जिसमें आस्था रखनी होगी वो आस्था रखेगा। कोई भगवान राम पे रखता है, कोई भगवान कृष्ण पे रखता है, कोई शिव पे रखता है, कोई विष्णु पे रखता है, कोई दुर्गा पे रखता है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं उस पे रखता है, दशहरा आ रहा है, आगे दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, छठी मैया पे हम लोग आस्था रखते हैं। किस किस के अस्तित्व पे आप सवाल उठाएंगे? आप इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए भ्रष्टाचार की, आप बात कीजिए बढ़ते अपराध की, आप बात कीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार आप बिहार में कब देंगे। भगवान राम की चिंता मत कीजिए, वो स्वयं भगवान है, अपनी चिंता कर ले। तो सुना आपने चिराग पासवान को, बड़े सीधे शब्द में उन्होंने बताया कि चूंकि रोजगार का मामला हो, करप्शन का मामला हो, इन सभी मामलों पर बिहार सरकार फेल है और बिहार सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी के पास इन मुद्दों पर कहने को सुनने को जब कुछ नहीं बचा तो वो राम को काल्पनिक बता रहे हैं। साथ ही साथ वैशाली के महनार में
जो 14 वर्षीय बच्ची के साथ घटना घटी है उसकी हत्या कर दी गई है, इस मामले को भी चिराग पासवान लगातार उठा रहे हैं और सीधा उनका प्रहार जो है वो बिहार सरकार और साथ ही साथ जीतन राम मांझी के ऊपर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।